चैलेंज वाली ईद ज्यादा एंजॉय करता हूँ, क्योंकि जिंदगी में जब चैलेंज ज्यादा हो तो आप फिर आपके अंदर वो सलाहियतें निकलती हैं चैलेंज का मुकाबला करने के लिए। तो ये बड़ी चैलेंजिंग हमारे चंद हफ्ते गुजरे हैं, जो घरों घर पे मेरे अटैक हुआ, दो दफा अटैक किया, और फिर ये जो प्लान किया हुआ है अबडक्शन का, अरेस्ट का नहीं अबडक्शन का, कि अगवा करके ले जाएं। अब तो ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस का ये हिसाब है कि पहले इंसान को पकड़ते हैं, ये जिस तरह अली अमीन हो गया, हसन नियाज़ी हो गया, फवाद चौधरी, पहले पकड़ते हैं और फिर वारंट दिखाते हैं, और फिर एक बेल लेते हैं तो फिर दूसरी कर देते हैं। तो हमारे सिर्फ हमारी इस वक्त पार्टी इस दौर से गुजर रही है जिधर किसी किस्म के हकूक नहीं है, विक्टिमाइजेशन है, केयरटेकर गवर्नमेंट जो न्यूट्रल होती है वो सबसे ज्यादा बायस्ड और ओपनली जुल्म कर रही है। तो एक बड़ी हमारी सारी पार्टी के लिए चैलेंजिंग ईद, तो ये हमारे लिए उस तरह की ईद नहीं गुजरी जो एंजॉय करने वाली ईद है।